लेके आए वो ये अलमाती कौन का शॉपर है। शॉपर कौन लेके आता है? शॉपर भी कोई लाने वाली चीज होती है। दरअसल ये शॉपर या बैग कह लें, अब इसको इसके अंदर जो चीज है ना वो है जो मैं लेके आया हूँ जी। जो सबसे पहले शॉपर के अंदर से ये क्या डब्बा निकल रहा है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू आईफोन का डब्बा है। और आप देख सकते हैं कि ये सील पैक है तो ये न्यू है। देखिए मैं दिखा नहीं रहा कैसे कि मैं पुरानी चीज दिखा के मुझे नहीं आया। और क्या हो सकता है शॉपर के अंदर भाई? वाह, हम जैसे इंसान हैं, हम कपड़े पहनते हैं वैसे जो फ़ोन होता है, ख़ास तौर जो आईफोन होता है उसका भी तो कवर होना चाहिए जिसको हम कपड़े कह सकते हैं। तो ये मैंने साथ ही कवर भी लेके आया हूँ इस आईफोन का। चलिए इस आईफोन को अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें से क्या है, कैसा आईफोन निकलता है। सबसे पहले तो जी इस आईफोन के डब्बे को उल्टा कर लेते हैं और ये इसकी पहली सील है, इसको क्या कहते हैं खोल लिया। उसके बाद जो दूसरी सील है इसको, ये इसको ऐसे करके जी इसको भी खोल लिया। चलिए अभी डब्बे को खोलते हैं। भाई वाह, बिल्कुल ब्रांड न्यू आईफोन है, नेचुरल टाइटेनियम कलर में। और जैसे आप देख सकते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा भी ज़्यादा एनहेंस्ड है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एप्पल के जैसे निकलता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू आईफोन निकलता है डब्बे में से वैसे है। इसमें स्क्रीन भी लगाई हुई है, स्क्रीन तो नहीं, एक पेपर से लगाया हुआ ताकि स्क्रीन में स्क्रैचेस ना लगें। इसके अलावा इस डब्बे के अंदर इस आईफोन की ओरिजिनल एप्पल की USB-C चार्जिंग केबल है। उसके अलावा ये इसके अंदर वारंटी कार्ड्स हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर चार्जिंग या हेडफोन नहीं है, चार्जिंग अडैप्टर और हेडफोन इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसमें लिखा होता है यहाँ पे कि आपने जो हेडफोन है और चार्जिंग अडैप्टर है वो आपने सेपरेटली ख़रीदना है। 3, 2, 1 जी। तो इस आईफोन के ऊपर से जो इसकी शीट थी जो इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर रही थी स्क्रैच से, वो हमने उतार ली है। अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या आता है सामने अगर ऑन हो जाए तो। क्या आप देख सकते हैं इसके एप्पल का लोगो आ गया इसके सामने। और ये देखें कितनी अच्छी राइटिंग में हेलो लिखा आया है। और आप देख सकते हैं कि ये कुछ तो नहीं, बहुत सारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेज हैं उसमें लिखा आएगा, क्योंकि आखिरकार एप्पल को या इस आईफोन को तो नहीं पता ना कि जिसने खरीदा उसकी लैंग्वेज क्या है। चलो तो जी।